सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सुकांत ट्यूटोरियल। तो आपण माने सब जानिथिबे एबे प्लस टू पिलांकर बोर्ड एग्जाम चली। तो प्लस टू पिलांकर नेक्स्ट एग्जाम रहउची 14 तारिखरे, साइंस पिलांकर रहउची फिजिक्स एग्जाम रहउची, साइंस पिलांकर फिजिक्स एग्जाम रहउची। तो ए वीडियो रे आमे फिजिक्स क्वेश्चन गुडी को आलोचना करबा। तो एबे रिसेंट वोकेशनल साइंस पिलांकर फिजिक्स एग्जाम जाईची, तो से 70 मार्क क्वेश्चन रोचे, से 35 कौन रोचे 35 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन रोचे। तो 35 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन मुझे आलोचना करदे, आपण मैंने वीडियो चेक करनी। जेहेतु 14 तारीख में फिजिक्स एग्जाम अच्छी, कौन पर कौन वोकेशनल साइंस पे आलोचना करुचे, देखू से ही टाइप रही क्वेश्चन आसो। से जो न्यूमेरिकल क्या कहतु, किसी भी वैल्यू क्या कहतु, टी वैल्यू चेंज रहा है, कि टाइप रही क्वेश्चन आसो। से कहि आपण मैंने जो आम वोकेशनल साइंस पिलांकर फिजिक्स क्वेश्चन गुड़क आलोचना कर दिंतु, और प्रीवियस ईयर 2021-22 क्वेश्चन गुड़िक आपण मैंने चेक कर निंतु, से टाइप रही कि क्वेश्चन आसो। देखूँ ये भिडियो आम कौन आलोचना करवा, तो आप लंग क्वेश्चन जो 5 मार्क लंग क्वेश्चन होती आलोचना करवा। तो आप हाथ में मतलब 14 तारीख एग्जाम जेहतु आम हाथ में बहुत कम दिन अच्छी, तो कम दिन मध्यम आम कौन करना 5 मार्क लंग क्वेश्चन जिते भी अच्छी आम आलोचना कर सब, खाली क्वेश्चन नुहे आप अलग आप प्रोभाइड करी, सहित 2 मार्क 3 मार्क रोज से प्रोभाइड करी। तर एमसीक्यू रोच जो एमसीक्यू बेसी क्वेश्चन रोचे से गुड़क प्रोभाइड करी। तो समस्ते आम चैनल सहित जॉइन हो रही थी, खाली फिजिक्स नुहे आपर 31 तारीख में मतलब मैथ एग्जाम रोच। तो मैथ एग्जाम आम बहुत सारा समय रहा, आम प्रिपेरेशन हो पारा, किसी भी क्वेश्चन छाड़ा ना, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करा। जमीक आम 70 मैथ एग्जाम 70 प्लस आमर कौन ना 70% प्लस आम जब मार्क रोक खाली मैथ एग्जाम। तो फिजिक्स एग्जाम बहुत सारा मार्क रोक, सब आप सिलेक्शन क्वेश्चन देवी। तो समस्ते आम चैनल सहित जॉइन हो, जो मैंने भी एपर्त जॉइन होना सब सांग सेयार कर दिंतु। आम चैनल क्लास स्टार्ट करदे, फिजिक्स एग्जाम आम प्रिपेरेशन आरंभ करदे, 2 मार्क 3 मार्क एमसीक्यू आप सब प्रोवाइड करी, आपण मैंने चैनल सहित जॉइन ही रही था। तो आपण जब किसी पीडीएफ दरकार, तो आपण मैंने कौन करेंगे आम टेलीग्राम चैनल कि व्हाट्सएप रे जॉइन होते। तो टेलीग्राम जब जॉइन हो पार ना, तो आपने टेलीग्राम सर्च रे आप सर्च करेंगे सुकांत ट्यूटोरियल। तो सुकांत ट्यूटोरियल सर्च कला आम चैनल लोगो आसीब, जमीक आम यूट्यूब लगी, तो आपने क्लिक कर जॉइन होगले, जॉइन होगले मुझे आम सब सीरीज आपको सब शेयर करदेवी। तो आज भिडियो जेहतु मुझे गत भिडियो 35 एमसीक्यू आलोचना करी आम वोकेशनल पिलांकर, आप चेक करेंगे। यहाँ हूँ फास्ट हूँ आप एमसीक्यू रोचे, मुझे आलोचना करदे, आपण मैंने चाहिए चेक करके देखिपारे। किसी भी डाउट रही आपने कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे, कि आम चैनल जॉइन होकर मेसेज करेंगे। तो आपण मीडियो आम आलोचना करवा, जो आम लॉन्ग क्वेश्चन रोचे जेहतु मोस्ट इंपोर्टेंट रोचे लॉन्ग क्वेश्चन कौन आप डिटेल्स बुझे, तो कहीं व्यस्त हूँ। तो आम जो बोर्ड एग्जाम कतोटी लॉन्ग क्वेश्चन आसो कौन रही है देखूँ, आपको ये कही रखुच्छी आम बोर्ड एग्जाम 6टी लॉन्ग क्वेश्चन आसो, 6टी लॉन्ग क्वेश्चन आम केवल 3टी लॉन्ग क्वेश्चन करवा। तो गोटे क्वेश्चन कौन गोटे क्वेश्चन हो 5 मार्क लेखा, तो 3 × 2 कौन होगा 15 मार्क बुझे। तो 15 मार्क आम मैंने आसो हूँ कौन लॉन्ग क्वेश्चन आसो। तो आप स्क्रीन आगे देखिपे ग्रुप सी ग विभाग रोचे 5 × 3 = 15 रोचे, अर्थात गोटे क्वेश्चन 5 मार्क लेखा, 3टी क्वेश्चन करेंगे = 15 मार्क बुझे। तो देखूँ आप क्लीयर भाग कहीदे कौ क्वेश्चन कौन रही। तो प्रथम रोचे आप जो आप 6टी क्वेश्चन पड़े, 6टी क्वेश्चन आप केवल कौन करेंगे 3टी क्वेश्चन करेंगे। तो बुझे थी आपको, तो 4 नंबर क्वेश्चन कौन रही, विथ ए नीट डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फॉर ए मूविंग कॉइल गाल्वर मीटर। तो कौन रही आप क्लीयर भाव कहीदे, तलू एक ओडिया रही, जदि आप इंग्लीश न बुझीपारे कि वार्ड तो मैं तले ओडिया दि जाए। तो देखु कौन कहीदे आप गोटे नीट डायग्राम रही कह रहा मूविंग कॉइल गाल्वर मीटर। तो मूविंग कॉइल गाल्वर मीटर आप नीट डायग्राम टे करेंगे, चित्रटे करेंगे, फिगरटे करेंगे, कौन एक्सप्लेन करेंगे, कौन दर्शाई से कंस्ट्रक्शन यार गठन कौन गठन एवं वर्किंग यार कार्य प्रणाली ये किपर या रही यार कार्यप्रणाली कौन रही आपने एक्सप्लेन करेंगे बुझे। यार ओडियाटा कौन रही विथ ए नीट डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वर मीटर। तो गाल्वर मीटर मूविंग कॉइल गाल्वर मीटर आप कंस्ट्रक्शन अर्थात गठन एवं वर्किंग कार्य प्रणाली विषय आपड़ी एक्सप्लेन करेंगे, सहित कौन नीट एंड डायग्राम डायग्राम करके आप दर्शाइए। तो ये गला हूँ आप 5 मार्क रोज मोस्ट इंपोर्टेंट रही आपत चेक करें, ये 4 नंबर गला। तो देखूँ तापर हूँ आप 5 नंबर क्वेश्चन रोचे, तो 5 नंबर कौन क्वेश्चन रही, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए
पीएन जंक्शन डायपोड ड्र इट्स फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रही कौन दर्शाई जाइए डिस्क्राइब कर कौन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन रही आप पीएन जंक्शन कौन करेंगे पीएन जंक्शन डायपोड डिस्क्राइब करेंगे तरह कंस्ट्रक्शन गठन और कार्यप्रणाली कौन करेंगे आप दर्शाइए सहित कौन ड्र इट्स फॉरवर्ड बायस एवं रिवर्स बायस रिवर्स एवं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़िक डिराइव करी बुझे। तो क्वेश्चन कौन रोज आउे क्लियर कहती डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायपोड। तो पीएन जंक्शन डायपोड आपण कंस्ट्रक्शन गठन एवं वर्किंग कार्यप्रणाली आप दर्शाइए सहित कौन रही ड्र इट्स फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो आपने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ड्र कर कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़िक दर्शाइए बुझे। तो यहाँ हूँ आपर कौन ड्र कर अर्थात चित्र करेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस गुड़िकर कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़िक दर्शाइए बुझे। यहाँ हूँ पांच नंबर क्वेश्चन गला देखो दुईटा गला चारो क्वेश्चन रोज छः नंबर क्वेश्चन कौन रोज देख पारे स्क्रीन में व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन रही ना कौन रही व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन ता सहित कौन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन। तो आपने दर्शाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन ता सहित इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन तार डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन सहित कौन ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करेंगे आने आट एन एक्जेल लाइन एक्जेल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप कौन दर्शाई ना आपड़े डिराइव एन एक्सप्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकिन एक्जेल एक्जेल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये देखिए एक्जेल पड़ा आपंक जो क्वेश्चन आसो सहित कौन करेंगे ना इक्वेटोरियल लाइन इक्वेटोरियल एक्जेल पड़े इक्वेटोरियल पॉइंट जो अच्छी एक्जेल एक्जेल लाइन इक्वेटोरियल लाइन दुटा जाक अच्छी ना आपर एटा कौन पड़े यहाँ एक्जेल पड़ी जेहतु वोकेशनल पिला आपर इक्वेटोरियल लाइन पड़े बुझे। यहाँ गला छः नंबर क्वेश्चन। तो तापर सात नंबर क्वेश्चन रोज देखिप स्क्रीन रे व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट एंड एक्सप्रेशन फैराडे एंड लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन रही ना व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन स्टेट एंड एक्सप्रेशन फैराडे एंड लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेरड्स आउ लेंस लॉ रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टेट तार कौन कहा जाए स्टेट आपड़ एक्सप्रेशन करके बुझेबे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन दुटाक आपने बुझेबे जेहतु पांच मार्क हूँ गोटे हूँ एक मार्क तापर हूँ गोटे चार मार्क बुझे। तो यहाँ हूँ आप सात मार्क क्वेश्चन तापर हूँ आप आठ नंबर क्वेश्चन आठ नंबर कौन क्वेश्चन रही विथ ए नीट डायग्राम डिराइव द फॉर्मूला रिलेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो कौन कहु ना गोटे नीट गोटे डायग्राम करेंगे कौ डायग्राम ना कन्वेक्स लेंस रोटे डायग्राम करेंगे से कौन दर्शाइए ना तर फॉर्मूला कौ रही डिराइव द फॉर्मूला रिलेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेकिन इमेज डिस्टेंस एवं फोकल लेंथ को लेकिन आपने कन्वेक्स लेंस र गोटे करेंगे डिराइव करके एक्सप्रेशन डायग्राम करके दर्शाइए तर फॉर्मूला करेंगे कौन ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ने इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को नहीं गोटे फॉर्मूला करेंगे बुझे। यहाँ गला हूँ आप आठ नंबर क्वेश्चन लेंस लेंस विषय अच्छी कन्वे लेंस अच्छी आपड़ी किसी भी नोट दरकार तो आपड़ टेलीग्राम चैनल जॉइन होते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अच्छी जदि जॉइन नई पार्टी तो आपने टेलीग्राम सर्च करदे सुकांत ट्यूटोरियल तो आपटे जो आसीज आप क्लिक करके जॉइन होते देखूँ आपण मैं नौ नंबर क्वेश्चन कौन रोच नौ नंबर हूँ स्टेट्स बोर्स पसुलेट फॉर हाइड्रोजन आटम। तो कौन लिखी ना बोर्स पसुलेट लिखे जो पांचटी बोर्स पसुलेट अच्छे से लिखे हाइड्रोजन आटम रही यूजिंग देन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन्थ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स फॉर हाइड्रोजन आटम कौन रही स्टेट बोर्स पसुलेट आपठी ऑफ हाइड्रोजन आटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन आटम रो बोर्स पसुलेट लिखे पांचटी बोर्स पसुलेट अच्छी से लिखे रही डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एन्थ ऑर्बिट रेडिएशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर हाइड्रोजन आटम हाइड्रोजन आटम एन्थ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी गुड़िक दर्शाइए। यहाँ नौ नंबर क्वेश्चन। तो एथि सहित आपणकर छटी
छोटी आपन जो वोकेशनल साइंस पिला छोटी जो लॉन्ग क्वेश्चन जो से आप सहित आलोचना कर दिली क्लियर भाव में तर जी आंसर सीट दरकार तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो गले मुझे सेठी शेयर करदेवि तो देखूँ आई ये वाला फिजिक्स गत काली वीडियो आम मैथ फैथ सब गुड़ी आलोचना करवा तो समस्त चैनल सहित जॉइन हो था आम फिजिक्स दुई मार्क तीन मार्क एवं पांच मार्क रहा सहित आम एम सी क्यू गुड़ी आलोचना करवा तो समस्त चैनल सहित जॉइन हो जाए जॉइन आप आलोचना करवा देखूँ जदि भी आपण मूँ भिडियोटी भल लगी तो निश्चय लाइक करेंगे सेयार करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ।